अब आरसी, लाइसेंस और एनआरसी जैसे मुख्य कागजों के लिए आपको भी धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। देखा जाता था कि लाइसेंस आरसी के लिए आम जनता को बार बार सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे, तब भी कई बार उनका काम नहीं होता था। लोगों की परेशानी को देखते हुए एसडीएम हितेश कुमार ने एक अच्छा निर्णय लिया है। अब जिन भी लोगों को आरसी या कोई भी अन्य कागजात बनवाने हैं तो उन्हें पहले टोकन लेना होगा, जिस हिसाब से उन लोगों का नंबर लगेगा और टोकन सिस्टम खासकर एजेंट को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। और अगर किसी भी व्यक्ति को कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उसका नंबर पहले लगवा दिया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए एसडीएम हितेश कुमार ने जानकारी दी। अंबाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट। सरल केंद्र की जितनी भी सर्विसेज हैं उनके लिए पूरा एक टोकन सिस्टम होता है, उसके लिए उन्हें फाइल यहाँ टोकन लेके फाइल तैयार करवानी पड़ती है, उसके बाद वो फाइल आगे मूव होती है। एजेंटबाजी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसको आना कंपलसरी किया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ कुछ केसेस में प्रायोरिटी या एग्जम्पशन के क्राइटेरिया दिए हुए हैं। जैसे अगर किसी की मेडिकल कंडीशन है और वो अगर उसकी रिसिप्ट हमें देता है तो उसको प्रायोरिटी पर रख दिया जाता है, एग्जम्पशन अलाउ कर दिया जाता है। सिमिलरली अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है जो वॉक करने में उसको परेशानी आती है या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस से जो इमरजेंसी बेसिस पर आया हुआ है विद हिज और हर अथॉरिटी लेटर, तो देन उनको एग्जम्पशन या प्रायोरिटी बेसिस पर रखा जाता है। एक ये सीनियर सिटीजन प्लस मेडिकल दोनों मिक्स कंडीशन था, इसमें लेडी की उम्र 70 ईयर्स थी और साथ में उनको अर्थराइटिस का इशू था, नी पेन का इशू था, तो उन दोनों चीज़ों को देखते हुए उनको प्रायोरिटी दी गई थी टोकन में। उनका टोकन नंबर 130 था और अराउंड 90 के आसपास अभी टोकन चल रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनकी मेडिकल कंडीशन को प्रायोरिटी बेसिस पर रखा गया।